बच्चों के हकूक तहफ़ुज़ के लिए कौमी कमीशन NCPCR ने पीर को जम्मू और कश्मीर पुलिस से एक वीडियो के ज़रिए ट्विटर इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है, जिसमें मुबीना तौर पर बच्चों को दहशतगर्दी की हिमायत और यूनियन के इलाके में भर्ती सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नोटिस में एक बच्चे की बंदूक का इस्तेमाल करते हुए, हवा में गोलियां चलाते हुए और चार पांच अफराद की तरफ से हौसला अफजाई की जाने वाली वीडियो से मुतालिक शिकायत की निशानदेही की गई है, जो ऐसा लगता है कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता हैं और उसे अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों की तरबियत देते हैं। शिकायत करंदा का इल्ज़ाम है कि ट्विटर अंसार गजवतुल हिंद की हामी दहशतगर्द तंजीमों को भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में शामिल होने के लिए बच्चों को भर्ती करने की सरगर्मियों को चलाने की इजाज़त दे रहा है। शिकायत में मजीद कहा गया है कि ट्विटर पोस्ट को जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ टैग किया गया है, जहां दहशतगर्दी की सरगर्मियां मरूजा हैं। चाइल्ड राइट्स बॉडी ने वीडियो में सामने आने वाले बच्चों के हकूक की पहली दफ़ा खिलाफ वर्जी की पेश नज़र कहा। कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक एतफाल 2005 के लिए एक्शन कमीशन की दफ़ा 13 सेक्शन आई सबसेक्शन जे के तहत मामले में संजीदगी अख्तियार करना मुनासिब समझा। NCPCR ने मजीद मुशाहिदा किया कि वसी पैमाने पर चलने वाले वीडियो में दहशतगर्दी में बच्चों के इस्तेमाल की तशहीर की जा रही है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की भी खिलाफ वर्जी करती है।